सिद्धार्थ नगर जिले में देर रात मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामला सदर थाना क्षेत्र के बेलहिया मंदिर के पास का है। देर रात 18 वर्षीय मृतक राहुल वर्मा मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे के साथ जा रहा था, जहां पर अज्ञात लोगों ने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक जिला मुख्यालय के मुडिला मोहल्ले का निवासी है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस अब हर स्तर पर पड़ताल में जुट गई है। घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज जुटाने में लग गई है। एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। तहरीर अज्ञात लोगों के खिलाफ मिली है। जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। कल रात्रि में थाना सिद्धार्थ नगर क्षेत्र अंतर्गत मूर्ति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति राहुल वर्मा को चाकू मार दिया गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। भीड़ वहां पे बहुत ज़्यादा थी और शोर भी ज़्यादा था, तो किसके द्वारा ये घटना कारित की गई अभी इसकी जानकारी की जा रही है। इसमें परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें कई व्यक्तियों से थाने पर बुलाकर पूछताछ की जा रही है। इसमें शीघ्र ही दोषी की पहचान कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। सर, क्या FIR वगैरह हो जाएगी अभी? इसमें FIR पंजीकृत की जा चुकी है और इसमें जो दोषी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम आगे थे, वो पीछे था बंदा, वहीं पर किसी ने मार दिया उसको जो है। अब अगर राहुल वर्मा, उम्र कितनी रही? 18 से 19 करीब में होगा। वो कहाँ गए थे? ये विसर्जन में ही गया था, घर आया था, घर से फिर वापसी गया था, अपने छोटे भाई को छोड़ करके घर गया है। उसके बाद फिर दोबारा चला गया है, अब पीछे रह गया वो। अब पीछे कौन आके किस मार दिया जो है समझ में नहीं आया। जानकारी कैसे हुआ? जानकारी एक लड़का आया था बताने के लिए कि भैया राहुल को किसी ने चाकू मार दिया है, तो फिर भागते हुए हम लोग गए वहाँ, देखे तो बच्चा नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसको उठा के अपोलो हॉस्पिटल ले गए, तो अपोलो हॉस्पिटल में कोई था ही नहीं, और पुलिस प्रशासन की गाड़ियां खड़ी थी, 3-4 गाड़ियां आई हुई हैं वहां खड़ी भी थी। वो कोई भी पुलिस वाला गाड़ी में लादने के लिए तैयार नहीं था। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।